अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आज है मेरा यूट्यूब पे पहला व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अपनी ज़मीनों पे आया हूँ बाइक की चाबी लेने के लिए, तो वो मुझे छोड़ के आनी थी, चावल बनवाने थे ज़रा। अभी हम घर पहुँच गए हैं, वो बाइक लेके आनी थी और ये अंदर खड़ी करनी है और मुंजी लेके अब हम जा रहे हैं। ये पहले चावल ऐसे निकलेंगे, बाद में फिर इसको मशीन में इसमें डाला जाएगा और फिर दोबारा ये साफ चावल निकलेंगे। ये अब इसका लास्ट फाइनल रिजल्ट है, ये देखें, अब ये फाइनल चावल निकल आए हैं इसमें से साफ। माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल निकले हैं। अभी मुंजी लेके घर आए हैं और अब चावल रख दिए उधर। अब होता है जुमे का टाइम, अब नहाते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो गाइस अब हम तैयार हो चुके हैं, अब हम चलते हैं जुमा पढ़ने। वैसे भी अभी टाइम काफ़ी हो गया, लेट हो रहे हैं, जुमा पढ़ते चलते हैं, जुमे के बाद हम मिलते हैं। हाँ जी, हम जुमा पढ़ के ना थोड़ा मसरूफ़ हो गए थे, घर वालों ने थोड़ा सा काम भेज दिया था, वो काम कुम करके फारिग होके अभी फ्री हुआ हूँ। तो अभी घर से फिर कॉल आई है कि वो आटा लेके आना था, तो अब फिर हम वापस घर जा रहे हैं। बाहर निकले थे थोड़ा सा ये माहौल नहर का, तो घर वालों ने अभी फिर दोबारा कॉल कर दिया, जी आए हमें आटा ला के दें, तो चले अब हमें उन्हें आटा ला के देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। आए तो माँ जी ने आते ही चावल बनाए हैं, जो चावल हम सुबह मुझे लेके गए थे, मुझे छुड़वा के लाए थे, वो माँ जी ने आते ही चावल बनाए हैं। तो अब हम खाते हैं खाना, चावल खाते हैं अपने। चावल बहुत मजे के बने हैं। चुप कर बे कुत्ते। जो सुबह मूंजी लेके गए तो वो मूंजी के चावल ना बड़े मजे के बने हैं यार, कमाल के। रात हम खाना खा कर सो गए थे, तो टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। वो ना दोस्त की कॉल आ गई थी, तो एक शादी थी मेहंदी थी गांव में, तो वो अटेंड करनी थी, वो मेहंदी अटेंड करने चले गई, तो रात को आए लेट हम उधर से, वो आते फिर सो गए थे। उसके बाद अभी उठे हैं और नाश्ता वगैरह किया, सुबह उठ के मूलियों वाले पराठे बनाए थे अम्मी ने, तो वो नाश्ता किया। नाश्ता करके अब ऊपर छत पे आए हैं, छत पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, तो अब धूप पे बैठे हैं ऊपर, चाय वगैरह पी है। बाकी अब चलते हैं खेतों में, देखते हैं कोई काम तो नहीं है। उधर मामू लगे हुए हैं खेतों में काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं जाकर कोई काम वगैरह तो नहीं है। अभी हम खेतों में आए हैं, तो मामू से पूछा गया कि मामू को काम है, तो मामू कह रहे थे नहीं काम नहीं है, तो मामू ने हमें गन्ने निकाल के दिए हैं अंदर हवेली में से, तो वो गन्ने खा रहे हैं धूप में। तो अभी वो पौधे अंदर रखे हुए हैं हवेली में, हवेली में ना सफाई हो रही है, उनको पानी डालना है बस, ये छोटा सा काम था। वो मैंने कहा बाद में क्या मिलना है आपको, थोड़े से पौधे थे मैंने।
ये पौधे मैंने अंदर लगाए थे, ये बच गए थे थोड़े से, तो इनको पानी लगा रहे हैं। ये अगले सीजन में लगाएंगे ना अभी, तो अभी वो दूसरे लग गए थे, अभी ये इनकी जड़ नहीं चलनी, तो ये बाद में लगाएंगे। पौधों को पानी पूरी लगा दिया था और वो गन्ने वगैरह खा लिए थे, अभी फ्री हैं फिलहाल। तो अब ये ना मैंने नर्सरी बनाई हुई है अपनी ज़मीनों पे ना, ये 2 एकड़ ज़मीन है इसके अंदर। बाइट ये काफ़ी बाइट भी है, पर ये 2 एकड़ जो है ना हमने इसकी चार दीवारी की हुई है ना, तो उसके अंदर मैंने अपने पौधे लगाए हुए हैं। तो वो हमारे इधर पत्तों की में ज़्यादातर नर्सरियाँ चलती हैं ना, तो काफ़ी नर्सरियों का रुझान इधर लोगों का है, पौधे शौधे तो काफ़ी मतलब कि इनका काम है। तो वो मैंने भी पौधे लगाए हुए हैं अपने, तो उनको पानी तो लगाना था वो लगाया। तो ये थोड़े से पौधे रह गए थे मेरे, ये तो मैंने ना 6 महीने पहले लगाए थे, तो ये सीज़न आउट हो गया, अभी ये अगले सीज़न में लगेंगे जाके, तो इसलिए थोड़े से बच गए थे। इंशाल्लाह ये लगा देने, अभी मैंने और भी मतलब कि इनमें करना है, पौधे और भी लगाने हैं, तो बाकी इंशाल्लाह अगले सीज़न में लगाएंगे। तो ये हमारे ना एक छोटी सी हवेली बनाई हुई है ये ज़मीन के भाई ना, तो ज़मीन के साथ ही हमने छोटी सी हवेली बनाई है। इधर मतलब को हमारा कोई सामान वगैरह, कोई ज़मीन के तल्लुक मतलब ज़मीन के मतलब कोई चीज़ें या सामान है वो इधर रखते हैं हम। तो ये पौधे भी इधर ही रखे थे, ये अनार भी हमने लगाया हुआ है, तो इस पर माशाल्लाह फल लगता है, इस सीज़न में लगा था बच्चों ने तोड़ तोड़ दिया। मामू ने जो काम बोला था हमने वो अपने काम कर लिए हैं, ऊपर पौधों को पानी देना था वो लगा दिया, तो अभी हम घर चलते हैं। ये बाल्टी हमने हम फांस ली थी, तो हम फाइन को दे के फिर हम घर चलते हैं, फिर आपसे आगे हमारे साथ जुड़े रहना, हम आपको दिखाते जाएंगे जो कुछ कर रहे हैं हम। हाँ जी, हम खेतों से घर पहुँच गए थे, तो अभी पहुँचे हैं घर। हमारा ना जो सा घर है ना खेतों से तकरीबन 5 मिनट के रास्ते पे है, ये गांव के दूसरे कोने पे जाके ना मतलब क्या लास्ट वाले कोने पे जाके हमारा खेत आते हैं, तो उधर से हमारा दूसरे कोने पे हमारा घर है, तो ये 5 मिनट के रास्ते पे अभी हम घर पहुँचे हैं। तो बस अभी यहाँ पर हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे हम अच्छे अच्छे व्लॉग डालते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। पसंद यार क्या करना है, बस मेरा फर्स्ट पहला व्लॉग है, तो इंशाल्लाह आगे से अच्छा काम करेंगे, अच्छे व्लॉग डालेंगे, तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ यारो, एक बात तो मैं कहना भूल ही गया आपको, ये व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने भाई को आगे तक लेके जाना, इंशाल्लाह आगे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाते रहेंगे।